ग्रेटिट्यूड ग्रीटिंग्स. लाइफ इज हेवन एंड वी आर सिटिंग विद अमेजिंग मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स. यस, टुडेज गेस्ट रिधि पित्रोडा इज अ लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ करियर काउंसलर. वेलकम. थैंक यू. सो प्लीज टेल अस, हाउ डिड योर जर्नी बिगिन? कोई नहीं सोचता है मुझे लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है ना, सो आप कैसे बन गए? ये जर्नी बहुत लंबी थी. जैसे कि इन गुजरात देर इज 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, देर इज अ सब्जेक्ट इट्स आर्ट्स. देर इज अ थ्री स्ट्रीम, राइट? आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस. सो आई चूज आर्ट्स बिकॉज माई पेरेंट्स बिलीव दैट कि ये ज्यादा तो नहीं पढ़ेगी, सो बेटर है इनको ग्रेजुएशन तक लेके जाना है. द आर्ट्स इज लाइक स्ट्रीम ऐसा है कि जहाँ पे वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करेगी ना, तो आराम से ग्रेजुएट हो जाएगी. दैट वॉज द पर्पज टू एंटर इन द आर्ट्स, आई कैन से. देन व्हेन आई स्टार्टेड माई 11th स्टैंडर्ड, आई जस्ट कम टू नो एंड लाइक यू नो द फर्स्ट टाइम इज इंट्रोड्यूस लाइक साइकोलॉजी. तो पहली बार मैंने साइकोलॉजी पढ़ा एंड वहां पे जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड का नाम आया, देन पाउलो का नाम आया. देन मैंने कहा मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, ये जो जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट लिखा है ना, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है. दैट वाज द ओनली थॉट, और कुछ नहीं था. कैसे बनना है, क्या प्रोसेस है, नथिंग. और बहुत कम लोग जो थे जो साइकोलॉजी फील्ड को चूज करते थे. तो आई डिसाइडेड इन द 11th स्टैंडर्ड ओनली कि मैं ग्रेजुएशन तो साइकोलॉजी में ही करूंगी. ओके फाइन, देन 11th एंड 12th कंप्लीट हो गया विद आर्ट्स. देन जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, 12th इज अ बोर्ड. अब मतलब क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पसंद ही था, तो मैं उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी, और कोई क्लासेस नहीं होते थे तो खुद से ही पढ़ाई वगैरह करना होता था. सो फॉर्चुनेटली जब मेरा मतलब 12th कंप्लीट हुआ, तो मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम द जूनागढ़ ऐसे. तो आई वाज अ सेंटर फर्स्ट इन अ साइकोलॉजी इन द जूनागढ़ ऐसे. तो ऐसे फिर स्कूल से एक लेटर आया कि आपको सो एंड सो डेट पे प्रेजेंट होना है, और मैं स्कूल काफी बंक करती थी. तो आई थॉट कि ये कुछ कंप्लेन वाला लेटर है जिसमें फादर को भी साथ में बुलाया है. आई वॉज लिटिल बिट एंग्जियस प्लस वरीड कि अभी तो बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट आ गए, अब क्यों बुला रहे हैं, लाइक यू नो. देन आई कम टू नो कि ओ ये तो कुछ अलग था, कि मुझे मैं साइकोलॉजी सेंटर पे फर्स्ट थी तो उनके लिए बुलाया था. ओके, देन इट वाज ये भी खत्म हो गया. फिर तो मतलब डिसाइड ही था कि ग्रेजुएशन तो अभी साइकोलॉजी में ही करना है. Then I did my graduation in the like जूनागढ़ only in the with the गुजराती मीडियम. बहुत सारे लोग एडमिशन्स लेने में थे, बट फॉर्चुनेटली आई गॉट एडमिशन. और ज्यादा अवेयरनेस नहीं था उस टाइम पे, तो जब तक मैंने ग्रेजुएशन करा तब तक मुझे वो पता नहीं चल रहा था कि कितने ब्रांचेस है साइकोलॉजी में. ऐसे थियरी वाइज आई नो, पर कहाँ पे मैं नेक्स्ट जाके पढ़ सकती हूँ, वो अवेयरनेस नहीं थी. देन एक दिन मैं ऐसे रेंडमली ही कुछ एक दुकान पे जेरोक्स करवाने के लिए खड़ी थी. वहां पे एक लड़की आई जो पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही थी. सो आई कम टू नो कि ओ ओके, ये एमएस से कुछ ऐसा कोर्स होता है. देन आई इंक्वायर्ड इन द एमएस यूनिवर्सिटी. तब नेट का और ये कुछ इतना मीडिया का था नहीं, तो जाके इन पर्सन जाके मैंने इंक्वायरी करा बड़ोड़ा, एंड देन आई गॉट एडमिशन इन पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आफ्टर माई ग्रेजुएशन. ओके, दैट आई हैव डिड दैट विद अ गुड स्कोर. ओके, नाउ आई कैन प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. नो, नाउ आई नीड टू डू मास्टर्स. सो मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी वो भी मैंने कर लिया. ओके, नाउ आई कैन डू प्रैक्टिस. आई कैन ट्रीट पेशेंट, आई कैन ट्रीट लाइक यू नो जनरल पॉपुलेशन. आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस आई कैन से, बट नॉट विद द क्लिनिकल पॉपुलेशन एज आई वॉज नॉट द लाइसेंस्ड वन. तो मैं साइकाट्रिस्ट के साथ बैठती थी, मतलब क्लाइंट देखती थी, क्योंकि पीजी डिप्लोमा के 6 मंथ के कोर्स में थोड़ा बहुत हमें क्लिनिकल भी आता था. तो दैट वाज दैट. फिर आई स्टार्टेड माय करियर इन लाइक यू नो स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एंड गवर्नमेंट में भी कुछ प्रोजेक्ट थे उसमें भी मैंने काम करा. बट कहीं ना कहीं वो पॉइंट हमेशा रहता था कि अभी भी हमारा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है. सो मास्टर्स तो कर लिया, पर अभी लाइसेंस चाहिए. अब लाइसेंस के लिए और 2 साल पढ़ना है,
और जब हम एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हो जाते हैं तो मतलब जॉब को छोड़ के फुल टाइम स्टडी में आना, इट इज अ डिफिकल्ट। मैंने कहा कि अगर मुझे ये काउंसलर वाले टेप से बाहर निकलना है तो आई नीड टू स्टडी अगेन, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशियंट नहीं है। देन आई डिसाइडेड टू एनरोल माई सेल्फ इन एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी इन 2019। सो 11 से लेके 19 तक आई डू प्रैक्टिस वर्क एंड जॉब एंड एवरीथिंग। एंड 19 में मैंने एमफिल में एडमिशन लिया, जो 22 में खत्म हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड चीज, लाइक यू नो 6 मंथ उनकी वजह से एक्सटेंड हो गए। एंड फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। आई एम डूइंग जॉब इन वन ऑफ द यूएस बेस्ड कंपनी एंड ऑल्सो इन द वन ऑफ द लाइक इंडियन कंपनी ऑल्सो। सो आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। सो इट वॉज वेरी लॉन्ग जर्नी आई कैन से। बट ब्यूटिफुल, वेरी 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 इंस्पायरिंग। गुजराती मीडियम, जूनागढ़, टू एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सर्विंग द स्कूल, सो प्राउड ऑफ यू, सो सल्यूट यू। तो थैंक यू मम्मी पापा सो का मच। पूरा सपोर्ट मिलता रहा, उन्होंने लगा कि हमारी बेटी कुछ तो कर रही है अच्छा। यस, उनका मेन कंसर्न ये था कि ये जो भी पढ़ रही है उनको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, बिकॉज आई वाज अ काइंड ऑफ अ जॉली पर्सन। तो उनको लगा कि अगर इनको साइंस में डालेंगे तो ये काफी स्ट्रेस में आ जाएगी, ये चीजों को नहीं समझेगी, शायद छोड़ देगी, क्योंकि ज्यादा उस टाइम पे पेरेंट्स जो कहते हैं हम उनको ही फॉलो करते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये पता था इनको जो भी करवाना है जिसमें ये खुश रहनी चाहिए। अब हाँ साइकोलॉजी मैंने अपने आप से चूज करा था तो वो तो मतलब इनका तो मतलब मोटिवेशन बना ही रहा इतने साल तक। लाइक आज भी इफ आई एम प्लानिंग फॉर द पीएचडी तो आई एम रेडी टू गिव अ 3 इयर्स लाइक फुल। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर रिद्धि, वेरी गुड। या थैंक यू। मम्मी से क्या सीखा आपने? मम्मी से बहुत कुछ सीखा, और आई कैन से कि आज भी मैं कुछ ना कुछ उनसे इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ। तो माय मदर वाज वेरी काम एंड लाइक यू नो सपोर्टिव आई कैन से। उनको ज्यादा तो नहीं पता चलता था, पर उनको ये लगता था कि मेरे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उसमें मुझे सपोर्ट करना है। तो वेरी उन्होंने कभी नाइस। पढ़ाई को लेके कभी डांटा नहीं, कभी आई डोंट थिंक उन्होंने कहा कि आप बैठो पढ़ाई करो, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एंड माय फादर वाज ऐसी आल्सो मम्मी लाइक सबको मिले। ग्रेट, ऑल और मदर्स फादर आर का ग्रेट। भी लाइक ऑल द टाइम सपोर्ट रहा है ऐसे। तो दैट वाज हाँ, रियली पापा से क्या ग्रेट। सीखा आपने? मेरे फादर प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो डिसिप्लिन है वो बचपन से ही था कि सिस्टम में रहना है, सिस्टम से काम करना है, जो भी काम दिया गया है उसको टाइम पे कंप्लीट करो। यू नो जो रूटीन है वो पहले से ही मेंटेन रहा था, और इतना ट्रांसपेरेंसी रहा है पहले से ही, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बात पापा को बोल सकते हैं या नहीं, या मम्मी को बोलेंगे तो कैसा। तो हमारा लाइक हम 3 भाई बहन हैं, तो हम तीनों का ऐसा ही रहा है हमेशा कि हम पहली बात जो है वो पेरेंट्स को ही करते थे, जो आज भी करते हैं, कि अगर उनको नहीं पता है तो थोड़ा हम उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, फिर वो अपने व्यूज देते हैं। बट यस, तो फादर से डिसिप्लिन है, सिस्टम में रहना, कैसे टाइम पे चीजों को काम करना, कांस्टेंट लाइक यू नो कोई चीज को अचीव करना है तो कैसे उस पे लड़ते रहो, करते रहो हर रोज का हर रोज, दैट आई लर्न फ्रॉम हिम। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। ऐसे पापा भी सबको मिले। वेरी वेरी नाइस। बस ऐसी बेटी भी सबको मिले। नाउ यू टेल मी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस? जॉली, जो आपने बोला। सीक्रेट ऑफ माय हैप्पीनेस इज आई ऑलवेज लुक एट द थिंग इन वेरी पॉजिटिव वे। लाइक ऐसा नहीं होता है लाइफ में कि हर एक कोई चीज है तो ये वो कैसे देखते पॉजिटिव, हैं पॉजिटिवली, हैं? या जो भी सिचुएशन आती है उसमें मैं कहीं ना कहीं ये देखती हूँ कि क्या ऑप्शंस है उनको एक पॉजिटिवली टर्न करने का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग कि चलो आज मेरा इंटरव्यू है, ओके सो आई नीड टू प्रिपेयर। ओके, मुझे नहीं आ रहा है तो फर्स्ट आई विल प्रिपेयर एंड देन आई विल परफॉर्म। अगर बिल्कुल नया है तो आई विल बाय सम टाइम। तो जो भी वो कंडीशन, वो भी सिचुएशन आई है, उनको पहले मैं हर एक एंगल से देख लूंगी, उसके बाद ही उनसे डील करूंगी। कुछ
सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पे हमें वो समय नहीं मिलता है, राइट? जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी अक्यूट सिचुएशन, अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि हम बाय कर सके। बट वहां पे भी मैं एक थॉट पैटर्न ही ऐसी बन गई है अब कि कोई भी नेगेटिविटी में सबसे पहले ये देखती हूँ कि क्या ऑप्शन है उनको डील करने के लिए, तो वो पैनिक सिचुएशन को अपने आप ही वो मिनिमाइज हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी वो पैनिक ही आती नहीं है, बट वो प्रॉपर वे में एक्सप्रेस होती है कि ठीक है यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात है, लेनी चाहिए, बट इट्स वेरी इन अ बैलेंस, बैलेंस्ड वे। आप हो वैसे, आपका थॉट पैटर्न, जेनेटिक कोडिंग ऐसी की है, तो घर में कोई ना कोई ऐसा होगा आप जैसा प्राणी जो बहुत ही समझदार, वाइज, शांत, पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, स्माइलिंग। लाइक माय मदर, तो वो ऑलवेज कुछ भी होता था, ठीक है पहले शांति से बैठो, देखो क्या हो सकता है, उसके बाद उसमें एक्शन पे आओ। तो प्लानिंग हमेशा से रही है, और जो अच्छा, मेरा साइकोलॉजी का जर्नी है इट वाज ऑलरेडी प्लान। आज भी मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ तो वो सोचते हैं कि साइकोलॉजी में क्या कैरियर है, तब मुझे क्वेश्चन होता है कि मैंने 2005 में जब साइकोलॉजी लिया था, मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि मैं करियर मेरा बनेगा या नहीं, या मैं उसमें से अर्निंग करूंगी या नहीं। और मुझे ये पता था कि अगर ये सब्जेक्ट के साथ मैं ग्रेजुएशन या लाइसेंस लेती हूँ तो मैं उतनी कैपेबल होंगी कि फिर अपॉर्चुनिटी मैं खुद क्रिएट करूँ। सो दैट वाज देयर। ये तो लीडर या वाली सोच है, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ऐसे लीडर ही क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। आप अगर देखो तो साइकोलॉजी के फील्ड मतलब अवेयरनेस अभी कोविड के बाद आई है, पहले उतनी नहीं थी। तो आज भी लाइक हम लाइसेंस्ड है फिर भी वो चैलेंजेस आते हैं हमें, बट अब तो करेक्ट, शायद वो इतना इफेक्ट नहीं करते। बहुत सुंदर। आपके तीन हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से होंगे? मेरे तीन हैप्पीएस्ट मोमेंट्स आई कैन से कि जब मेरा 12th में ये जो रिजल्ट आया एंड आई गॉट अ प्राइज फॉर द साइकोलॉजी, दैट वन थिंग। सेकंड, आई एनरोल्ड इन द एमफिल, नॉट गॉट अ रिजल्ट एंड ऑल दिस थिंग, बट लाइक आई क्रेक एंट्रेंस एग्जाम ये वाला, क्योंकि 9 साल के बाद मैंने पढ़ाई वापस से फुल टाइम शुरू करा था। तो दैट वाज द सेकंड हैप्पीएस्ट मोमेंट। एंड द थर्ड वाज व्हेन आई गॉट माय लाइसेंस। नो डाउट वो लाइसेंस मिलने के बाद मैंने उसको सेलिब्रेट काफी लेट किया, बट यस वो दिन मेरे लिए काफी लाइक ओके अब जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो दैट वाज यस। तो घर में सबने खुशी मनाई थी या आपने अकेले ने सेलिब्रेट किया था? सबने, क्योंकि मैं अच्छा, बाहर थी तो उस टाइम पे मैंने अकेले ही सेलिब्रेट किया, बट फिर घर आके सबके साथ मैंने सेलिब्रेट वेरी करा। गुड। यानी सबको खुशी हुई कि हाँ, हमारी यस बेटी अब लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गई है। वेरी गुड, यस यस वेरी वेरी नाइस। आप गाना गाते हो या नहीं गाते हो? गाना नहीं गाती हूँ मैं। नहीं तो मैं गाने के लिए बोल देता। और फिर हॉबीज क्या है आपकी? डांसिंग, सिंगिंग, खाना खाएं, खाना बनाएं। खाना खाना मेरी हॉबी है डेफिनेटली। मुझे नई नई चीजें खाना पसंद है। मैं फिर घूमने डांस, जाती बॉडी हूँ। एनर्जी भी काफी होगी, ट्रेकिंग, वॉकिंग, यस रनिंग, रोड्स। ट्रेकिंग पास्ट में रहा था, क्योंकि जो बचपन में लाइक मैंने कहा जूनागढ़ से हूँ तो वहां पे गिरनार पर्वत है, तो कहीं ना कहीं वहां पे लाइक ऐसे ट्रेकिंग प्लान हो गया, या नियर बाय जो हाँ, भी टेम्पल है वहां पे चल के जाना। दैट वाज देयर फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली। सो माय नेटिव इज वेरावल सोमनाथ एंड देन शिफ्टेड बिकॉज फादर का जॉब था तो उनकी वजह से ट्रांसफर हुआ था। तो बचपन कैसे ऐसे ही गया है, तो यस आई एम एनर्जेटिक एंड आई अभी तो न्यू वॉक ही कर सकती दिस इज माई न्यूरो अभी। साइंस ज्ञान, यू सी। ठीक है, अब वन वर्ड खेलेंगे, लाइफ इन वन वर्ड। लाइफ इन वन वर्ड लाइक हैप्पीनेस, वाह, साइकोलॉजी इन वन वर्ड। साइकोलॉजी इज बिहेवियरल साइंस टू नो ईच अदर पीपल्स एंड द सेल्फ ये लंबा हो फर्स्ट, गया ये, चलो कुछ नहीं होता। मम्मी इन वन टू वर्ड। नो सेल्फ फर्स्ट, हाँ, वेरी गुड। मम्मी इन वन वर्ड। पापा मम्मी इन वन वर्ड, लव एंड केयर, इन वन वर्ड। सिबलिंग्स सपोर्ट, इन वन वर्ड। लाइक माय पिलर्स, ब्यूटिफुल। रिधि इन वन वर्ड। रिधि इन वर्ड वर्ड,
गुड फॉर्चून। वेरी वेरी गुड, आप गुड फॉर्चून हो सबके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी माय फैमिली के लिए, माय आपके नेम फ्रेंड्स के मीनिंग लिए, इज सबके गुड फॉर्चून। लिए। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू कीप स्माइलिंग लाइक दिस। थैंक यू या रिद्धि भाई। थैंक यू सो मच।